जिले में हाल ही में हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी हैं। जिले में गेहूं, चना, मटर, सरसों के साथ अन्य फसल प्रभावित हुई है। किसान बेहद परेशान हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। आपको बता दें कि जगह जगह हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जहां जहां नुकसान हुआ है वहां पर बीमित किसानों को लाभ दिया जाएगा। फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों की सूची मंगवाई जा रही है और उन्हें लाभ दिया जाएगा। जिले में बड़ी संख्या में फसल पर प्रभाव हुआ है। बरसात के कारण हुई ओलावृष्टि के बाद फसलों पर काफी प्रभाव है, जिसके कारण से किसान पैदावार को लेकर मायूस हैं। एक तरफ किसान आवारा पशुओं की समस्या से परेशान थे, वहीं अब मौसम ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की मांग है कि उनकी जो भी फसल नुकसान हुई है उसकी भरपाई विभाग की तरफ से करवाया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। आइए किसानों से ही जानते हैं कि उनकी कितनी फसल बर्बाद हुई है और वे क्या कुछ चाहते हैं। नुकसान बहुत हुआ है सर जी, ये सब पूरा हमारा, हम लोगों की फसल नष्ट हो गई, सरसों की फसल, गेहूं की फसल सब नष्ट हो गई है। अब इससे कुछ मिलना नहीं है, सब बेकार हो गया। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? अरे चाहते हैं कुछ मदद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो किसान है ही हम लोग, यही एक सहारा हम लोगों का है। अच्छा, क्या जो ये जो बरसात हुई इस बरसात से कुछ फायदा है कि नहीं है फायदा? अरे एकदम नुकसान है, पैसे का फायदा नहीं है, 100% नुकसान ही है, इसमें कोई फायदा नहीं को काफी नुकसान हुआ है। जैसे कि गेहूं हमारा गिर गया है, इससे गेहूं का दाना बहुत हल्का हो जाएगा, जो पैदावार 4-5 क्विंटल होती थी वो 1.5-2 क्विंटल में आ जाएगा। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ किसानों के गेहूं जो कटने वाले थे, कटने लायक हो गए थे, वो क्या लगता है कि जो खेतों में गिर गए हैं तो क्या उससे क्या नुकसान होगा? देखा जाए तो बहुत नुकसान होगा, गेहूं बिल्कुल पतला हो जाएगा, मतलब क्या हल्का हो जाएगा। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से कुछ आर्थिक सहायता की? जनपद में जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक नुकसान तिलोई तहसील में प्राप्त हुआ है, जहाँ हल्की ओलावृष्टि हुई है। उसके अतिरिक्त जो तिलोई सटा हुआ हमारा ब्लॉक है सिंहपुर, जगदीशपुर और मुसाफिर खाना में हल्की ओलावृष्टि और वर्षा से क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। अन्य ब्लॉकों में सामान्य सी थोड़ी सी बरसात हुई है, वहाँ पर नुकसान की सूचना कोई नहीं प्राप्त हुई है, जिसके लिए जो है बीमा कंपनी को निर्देशित कर दिया गया है और उसके लिए जन जागरूकता फैलाई जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत जो है बीमा कंपनी के टॉल फ्री नंबर पर या किस विभाग के कर्मचारियों को या राजस्व विभाग के जो कानूनों के माध्यम से हम लोगों तक सूचित करते हैं, तो उसका सर्वेक्षण करा के नियमानुसार उसकी कार्रवाई कराई जाएगी जो भी किसानों के लिए। ठीक है।